पढ़ा लिखा पानी हुआ मन में भरा घमंड पढ़ा लिखा पानी हुआ मन में भरा घमंड घमंड और ज्ञान दोनों कभी रहते नहीं संग नमस्कार आदाब अभिनंदन आपका दोस्त और होस्ट रविशंकर फ्लोरिया आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु स्टडीज शुरू में आपका हार्दिक स्वागत करता है और हार्दिक अभिनंदन करता है मेरे प्यारे बच्चों आजकल हम अंग्रेजी ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसकी हमने चार श्रृंखलाएँ कंप्लीट कर ली हैं लेकिन आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं नाउन एंड नंबर ये नंबर होती क्या चीज़ है क्या इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यह नंबर जो नाउन नंबर जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक वी कैन नॉट सॉल्व वी कैन नॉट ट्रांसलेट एनी सेंटेंस इंटू इंग्लिस फ्राम हिंदी लैंग्वेज कि हिंदी से अंग्रेजी में हम इसके बिना किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि नंबर होता क्या है अगर हम बहुत आसान शब्द में समझें कि नंबर आपने मैथ में पढ़ा होगा कि नंबर का मतलब होता है संख्या तो हम यहाँ पर वही चीज ले लेते हैं कि नंबर संख्या से ही रिलेटेड है संख्या हमें बताती है एक दो तीन चार तो यही नंबर होते हैं अंग्रेजी में और आपको पता है कि जो नाउन होते हैं नाउन का मतलब क्या होता है नाम होता है किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम ही नाउन होता है अर्थात जिस नाम से हमें पता चल जाए कि वह वस्तु एक है या एक से ज़्यादा है इसी चीज़ को नंबर कहते हैं समझ में आया तो इन इंग्लिश लैंग्वेज हम चलते हैं क्या होता है नंबर कि योर डेफिनेशन इज़ रिटर्न ऑन योर स्क्रीन सो प्लीज़ नोट डाउन दिस डेफिनेशन ऑन योर फेयर नोटबुक्स एंड मेमोराइज ऑल दी थिंग्स बट डोंट क्रैम आपने इसको क्रैम्प नहीं करना है क्रैम नहीं करना है क्रैम मतलब होता है रटना नहीं है ठीक है ना मेक अ पैरट पैरट नहीं बनना है आपने तोता नहीं बनना है तो आपने इसको समझना है मेमोराइज करना है ठीक है ना इसलिए कहते हैं ना किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान और दूसरों को दिया हुआ धन कभी सही समय पर काम नहीं आता इसलिए आपको किताबों का ध्यान नहीं पढ़ना है आपने इसको समझने की कोशिश करनी है ठीक है तो क्या होता है नंबर इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर इफ ए नाउन यदि एक नाउन नाउन मतलब नाम टेल्स बताता है कि कोई वस्तु कोई स्थान कोई चीज़ क्या है एक है या एक से ज्यादा है तो इसी को नंबर कहते हैं नंबर का मतलब समझ में आया जिस शब्द के द्वारा हमें पता चलेगा कि वह एक है एक से ज्यादा है ठीक है ना मैंने बोला लड़के ठीक है ना एक लड़का तो अब ये क्या है जिससे हमको एक लड़का शब्द तो पता चल रहा है यह एक इससे एक लड़का ये सिंगुलर पता चल रहा है कि यह एक ही है मैंने बोला लड़के ठीक है ना लड़के ये, अब यह एक शब्द है इस से हमें पता चल जाएगा कि यह एक से ज्यादा की बात हो रही है तो यही चीज क्या होता है नाउन नंबर के अंतर्गत आता है। कि नंबर क्या होता है नाउन क्या होता है ठीक तो आपके समझ में आ रहा होगा कि इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर फॉर यूर नॉलेज काइंड नॉलेज आई हैव रिटर्न दिस ऑन योअर फेयर स्क्रीन ओके ए जैसे लाइक द एग्जाम्पल ए बॉय ए गर्ल अ पेन ए टेबल अ स्टूडेंट देखिए अज एग्जाम्पल शो ओनली वन थिंग ये सभी जो एग्जाम्पल हैं ये केवल एक चीजें दिखा रही हैं तो सेम वे ठीक है और जैसे जिससे हमें एक से ज्यादा पता चलेगा देखो बॉयज है तो यहां पर एक लड़के की बात नहीं एक से ज्यादा लड़कों की बात हो रही है गर्ल्स प्लुरल है एक से ज्यादा की बात पेन ठीक है ना पेन में लिखना कलम जिससे हम लिखते हैं टेबल्स स्टूडेंट्स वोमेन ठीक है वो मेन बोलते हैं ना वो मेन ठीक है दीज एग्जाम्पल शोज ठीक है मोर देन वन ये जब चीजें हैं एक से ज्यादा दिखाती है तो नाउन नंबर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए तो इसको समझना है जो नाउन होते हैं कि वह एक है या एक से ज्यादा है अब आता है कि काइंट्स ऑफ द नाउन अगर वह एक बताएगा तो उसको क्या कहेंगे अगर वो एक से ज्यादा बताएगा तो इसको क्या कहेंगे तो माय डियर स्टूडेंट्स हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज में मैं बार बार बता रहा हूँ हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेज में क्या होता है एक बचन और बहुवचन केवल दो ही चीजें होती हैं ठीक है ना एक वचन और बहुवचन सिंगुलर और प्लूरल बट संस्कृत में एक वचन द्वि और बहुवचन तीन चीज़ें होती हैं तो यहाँ पर आपके लिए अच्छी चीज़ें केवल दो ही चीज़ें हैं आपने दो ही चीज़ें पढ़नी है ना कि ठीक है संस्कृत की तरह तो एक एक्स्ट्रा चीज़ भी पढ़नी है तो आपने ध्यान देना है हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में एक वचन और बहुवचन दो ही चीज़ें होती हैं सिंगुलर और प्लुरल तो काइंड्स ऑफ द नाउन नाउन कितने प्रकार नाउ ना, काइंड्स ऑफ द नंबर नंबर कितने प्रकार के होते हैं देखिए आई हैव रिटन ऑन यूर बुक ऑन योअर स्क्रीन काइंड्स ऑफ द नाउन देयर आर आर टू टाइप्स ऑफ द नाउन्स नंबर इन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी में नाउन कितने प्रकार के होते हैं सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर जो नाउन के नंबर होते हैं वो सिंगुलर नंबर होते हैं प्लूरल एंड यू नो वेरीवेल सिंगलर मीन्स एक वचन प्लुरल मीन्स बहुवचन ठीक है ना अभी आपको बताया था कि जिसके द्वारा हमें पता चलता है तो हमको पता चलाना या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा तो सिंगुलर नंबर और प्लुरल नंबर समझ में आ गया ओके अब हम यहां पर एक ध्यान देंगे कि जो नाउन के नंबर होंगे वो सिंगुलर प्लूरल तभी बनेगा जब वो नाउन क्या होता है काउंटेबल नाउन होता है क्योंकि नंबर मतलब गिनना तो काउंटेबल अगर वो काउंट हो सकता है तभी उसको सिंगुलर प्लूर बनेगा ठीक है ना काउंटेबल आपको पता है प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन होते हैं प्रॉपर मतलब किसी व्यक्ति का नाम मैंने बोला ताजमहल हमने प्रॉपर नाउन है ना ठीक है एक एक ताजमहल तो पता चल गया एक ही है ठीक है हम इसको गिन सकते हैं हमने बोला रणजीत रणजीत किसी का नाम है तो रणजीत ठीक है ना रणजीत का एक रणजीत है दो रणजीत है हमने बोला कुर्सी टेबल चेयर एक है ये काउंटेबल है अब अनकाउंटेबल क्या होता है मटेरियल नाउन द्रव्य पदार्थ जैसे हमने बोला दूध हमने कहा एक दूध दे दो दू, तो ये गिने नहीं आ रहे हैं इसको हम अनकाउंटेबल है हमने बोला एक तेल दे दो तेल को हम माप माप सकते हैं ठीक है ना लीटर में लेकिन हम उसको गिन नहीं सकते तो गिनने को जिनको हम गिन सकते हैं उन्हीं का सिंगुलर बनेगा उन्हीं का प्लूरल बनेगा तो याद हमेशा अपने दिमाग में बना लेना कि सिंगुलर से प्लूरल या काउंट नंबर क्या होते हैं केवल काउंटेबल नाउन का ही होता है तो नंबर जितने होते हैं सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं देखिए बहुत आसान है इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर यहाँ पर हनी का मैसेज आ रहा है कि यूअर टीचिंग इज वेरी गुड सर वेरी गुड हनी हनी वेरी गुड यू आर शेयरिंग यूर व्यूज योअर इमोशंस थ्रो यूअर कमेंट बॉक्स वेरी गुड आई लाइक इट प्लीज ऑल द व्यूअर्स लाइक एंड शेयर एंड प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम वेटिंग फॉर यूर प्रीशियस कमेंट ओके तो सिंगुलर नंबर एक बच्चन किससे कहते हैं इफ ए नाउन टेल्स ओनली अबाउट वन इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन आई हैव रिटन हेयर टू डेफिनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश ओके तो द नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन वन एनिमल वन थिंग इज सेड टू बी इन सिंगुलर नाउन ऐसा नाउन ऐसा शब्द जिससे केवल हमें एक शब्द एक व्यक्ति एक स्थान के बारे में पता चल जाए उसको सिंगुलर बोलते हैं ठीक है ना जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कि अ बॉय देखो एक लड़का तो एक लड़का एक पता चल रहा है तो सिंगुलर है ठीक है क्योंकि बॉय तो नाउन है गर्ल और गर्ल एक लड़की और पेन ठीक है तो जिससे हमें केवल एक का आभास हो जाता है उसको सिंगुलर नाउन कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कमल का आ, ए, कमेंट आया नाइस सर थैंक यू कमल और यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर कमेंट लिखते रहें और यहाँ पर अब सेकंड नंबर आता है प्लुरल नंबर क्या होता है प्लुरल नंबर इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लुरल नाउन अब जो प्लुरल होता है मतलब एक से ज्यादा हिंदी और अंग्रेजी में दो नहीं होता है या तो सिंगुलर ही होगा या प्लूरल ही होगा तो प्लुरल मतलब होता है इफ़ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन इट इज कॉल्ड प्लुरल नंबर जिसमें ऐसा नाउन जिसमें हम क्या करते हैं एक से ज्यादा के बारे में बातें करते हैं वो प्लूरल होता है बहुवचन होता है जैसे अभी वहाँ अ बॉय था एक लड़का लेकिन यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर क्या है बॉयज लड़के गर्ल्स पेंस टेबल्स स्टूडेंट्स हॉर्सेज टीथ आर्मीज leaves. ठीक है ना ये क्या कर रहे हैं दीज एग्जाम्पल शोज मोर देन वन थिंग ये जो एग्जाम्पल हैं एक से ज़्यादा चीज़ें दिखा रहे हैं यहाँ पर ज्योति का ज्योति रावत का कमेंट आया है आई लाइक योर टीचिंग मेथड सर वेरी गुड ज्योति ज्योति रावत काफ़ी समय से हमें फॉलो कर रही है तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर लग रहा है कि आप लोग कमेंट देते जा रहे हैं और मुझे इंक्रेज कर रहे हैं तो प्लुरल नाउन समझ में आया कि प्लुरल नाउन क्या होता है ऐसे नाउन जो वोमेन वोमेंस हॉर्सेस टीथ मतलब जो एक से ज़्यादा की चीज़ें कर रही हैं आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक चीज़ हो रही है कहीं एस लग रहा है कहीं ई एस लग रहा है तो ये हम आपको सिखाएंगे अगली वीडियो में कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं प्लूरल से सिंगुलर कैसे बनते हैं तो आज का टॉपिक मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा की नाउन क्या होते हैं नाउन नंबर क्या होते हैं नंबर का मतलब जिससे हमें पता चलता है वह संख्या एक है एक से ज्यादा है यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और तो जरूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताइए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए धन्यवाद थैंक यू